लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बेटियों को लेकर एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। सीएम योगी ने प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना शुरू करने का ऐलान किया है। तो आपको बता दें, बेटियों के लिए एक बड़ी योजना शुरू हो रही है यूपी में, जिसका नाम दिया गया है कन्या सुमंगला योजना, जिसमें उन्होंने बताया कि बेटी के ग्रेजुएशन तक पढ़ाई का खर्चा अब सरकार उठाएगी, साथ ही कन्या के जन्म पर एक निश्चित धनराशि भी उसके नाम पर जमा करवाई जाएगी। सीएम योगी आज लखनऊ में ही बाइकिंग क्वीन टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे थे। इसी बाइकिंग क्वीन टीम में गुजरात की 3 महिलाएं भारत से लंदन तक 25 देशों की यात्रा पर निकली हैं। लेकिन इस मौके पर यूपी में एक बड़ी योजना का ऐलान किया गया है, कन्या सुमंगला योजना शुरू हो रही है यूपी में, जिसमें आपको बता दें कि बेटियों की जो पढ़ाई है उसका खर्चा अब सरकार उठाएगी, और ग्रेजुएशन तक कि अगर वो ग्रेजुएशन करती हैं तो वहां तक सरकार खर्चा उठाएगी इस योजना के तहत। कन्या सुमंगला ये योजना है जिसका नाम दिया गया है। लखनऊ में बाइकिंग क्वीन टीम को सीएम योगी ने रवाना किया था। महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूकता और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ करने का रहा हो, बहुत मजबूती के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और बाइकिंग क्वींस नारी जागरूकता के इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के इस अभियान को लेकर के भी आगे बढ़ता है। इसके अंदर हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की है। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म लेने से लेकर के उसकी स्नातक तक की शिक्षा की पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी और हर एक जन्म लेने पर एक निश्चित राशि उस बालिका के नाम पर सरकार जमा करेगी।